हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? सब आए हो? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, साथ ही स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ से है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसने रिक्वेस्ट की थी कि दी आप हैवी हेयर ऑयलिंग करें विथ सनलाइट। तो देखिए, मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में, वो भी सनलाइट में। तो देखिए, ये हेयर ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अगर आप इस हेयर ऑयलिंग को बनाना चाहते हैं तो इसकी फुल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव हेयर ऑयल है। इससे क्या है कि सफ़ेद बालों को काला करते हैं। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके बाल टूटते हैं झड़ते हैं, तो ये बालों को रिपेयर करता है और बालों की ग्रोथ करने में भी मदद करता है, और सफ़ेद वालों को तो काला करता ही करता है। मात्र 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ये इतना अच्छा हेयर ऑयल तैयार होता है, बहुत ही अच्छा, और रिजल्ट इसका आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा मात्र 1 से 2 बार में ही। तो आप एक बार इस हेयर ऑयल को ज़रूर ट्राई करें। और इसको बनाते कैसे हैं इसकी फुल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट वीडियो क्या होगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ये बालों की सारी समस्याओं के लिए एक तो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है जो कि मैं यूज करती हूँ। आपने इसे सिर धोने से 1 दिन पहले लगाना है या फिर 2 घंटे पहले भी आप लगा सकते हैं। लगा करके आपने स्कैल्प के पास से 7 मिनट मसाज करनी है अच्छे से, और उसके बाद आपने हेयर वॉश करना है। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि दी हमारे बाल बहुत झड़ते हैं और कितने दिन में असर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, बाल है थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कोई भी होम रेमेडीज लगातार यूज़ करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट इसका 1 नंबर आता है। वैसे मैंने हेयर ऑयलिंग की हुई थी पहले ही, लेकिन फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि मैं सनलाइट में हेयर ऑयलिंग करूँ, तो देखिए मैं सनलाइट में हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट वीडियो क्या हो ये भी आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो आप देख सकते हैं, मैं ये ऑयल लगाती हूँ हेयर वॉश से 1 दिन पहले। तो देखिए, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, और साथ ही बालों को काला करता है, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो मैं तो चाहूँगी कि आप एक बार इस ऑयल को घर पे बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मेरे मम्मी के क्या है कि मेरी मम्मी के काफ़ी सारे बाल सफ़ेद हो रखे थे। मैं आपको अपनी मम्मी के बाल दिखाऊंगी और ये आपके मेरे रिजल्ट आता है, असर दिखाता है ये वाला हेयर ऑयल। आपने अच्छे से सारे में लगा करके इसके अच्छे से मसाज कर लूँगी। और अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये वाले ट्रिक जरूर अपनाएं डेली। फाइव मिनट आप ऐसे ज़रूर करें। और मैं ऑयलिंग करने के बाद बन बना लेती हूँ, देन रात को सोते टाइम में छोटी बना लेती हूँ। तो देखिए, ये मेरा बन बन करके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।